हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आज किस तरीके से शह और मात दी गई। आज जिस तरीके से हमने कल डेटा पॉइंट्स को एनालिसिस करने की कोशिश की थी, तो डेटा पॉइंट भी कुछ इस तरीके से बयां कर रहे थे कि भाई बाजार के अंदर जो स्पोर्ट है उसकी तरफ बाजार जो है आएगा। हालांकि बाजार आया भी, लेकिन उस स्पोर्ट को बेस बनाकर बाजार ऊपर चला जाएगा इस बात की संभावना नहीं थी हमें। कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि 36,050 से लेके 36,200, 36,300 ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि बहुत अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस स्पोर्ट के आसपास ही जो है बाजार बंद होंगे, या अगर ये स्पोर्ट तोड़ दे तो बाजार नीचे भी जा सकते थे। लेकिन बाजार सुबह सुबह जो है नीचे डिप देता है, ये स्पोर्ट बनाता है 36,248 की और वहाँ से बाजार बाउंस करता है। और बाजार में एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इवेंट ये है कि यूएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फैसला आज रात को जो है आना है। तो यहाँ पर उस फैसले की वजह से आज जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे उनमें भी डिके जो है देखने के लिए कम मिला, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो बहुत जो है कम गिरी आज। मतलब जो टाइम वैल्यू जनरली एक्सपायरी से एक दिन पहले गिरती है उतनी नहीं देखने के लिए मिली। और आज का बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल है, जिस तरीके की दो कैंडल बनी थी आज ये तीसरी कैंडल बनी है, तो ये वास्तव में एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल जो है बनी है। लेकिन क्योंकि एक इवेंट है तो इवेंट एक अनसर्टन है, अगर 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बाजार के लिए हमें लगता है कि नेगेटिव होगा, तो उस केस के अंदर बाजार में नेगेटिव स्थिति देखने के लिए मिलेगी। अगर 0.75 है तो ऐसा लगता है बाजार को देख के कि वो बाजार पहले से ही डाइजेस्ट कर चुका है, और किसी भी तरीके से अगर 0.75 से नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं यूएस के अंदर, तो आप ये समझिएगा कि वो एक पॉजिटिव और वो एक बिग पॉजिटिव माना जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का जो भी बाजार एनालिसिस है वो ये है कि बाजार लगभग अपने ऊपरी एंड की तरफ बंद हुए हैं, तो यहाँ पर ऊपर जाने का स्कोप जनरली उस चांस में बनता है, क्योंकि जो 36,800 एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। 37,000 पे जैसे हमने इस हफ्ते के शुरुआत में देखी, जैसे ही बाजार 37,000 पे गया तो एक अच्छा रेजिस्टेंस था, लेकिन महीने की एक्सपायरी है। तो जो मैं कल आपके साथ बोल रहा था कि जब वन वे एक महीने में चलता है तो जनरली एक पोज आता है, तो कल एक वोलेटाइल डे जो है रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं। अगर बाजार नीचे भी आता है तो वो शॉर्ट्स पोजीशंस दिन में जो है शायद कवर होती हुई नजर आएंगी। तो दिन में 2-2.5 बजे तक तो हमें नहीं लगता कि बाजार शायद बहुत बड़ी गिरावट दे, क्योंकि जो 36,100-36,200 का जो रेंज है वो जब तक नहीं टूटेगी तब तक बाजार जो है उस रेंज के अंदर ही रहेगा। और ऊपर 37,000, 36,800 से 37,000, इवन 37,100, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो बाजार इसी के बीच में अगर घूमता है तो 35,500 के आसपास जो है एक्सपायरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर बाजार दोनों साइड की रेंज को अगर देखता है तो इस 35,500 के 50-60 पॉइंट इधर या 50-60 पॉइंट दूसरी तरफ, लेकिन बाजार किसी भी रेंज को तोड़ता है, क्योंकि इवेंट है तो इवेंट के हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। और अगर 2 से 2.5 बजे के बाद बाजार एक तरफा किसी भी साइड चला जा सकता है, लेकिन वो एक ही स्थिति है, अगर बाजार नीचे 36,000 तोड़ता है तो सिंगल वेयर जो है डाउनफॉल होएगा, अगर 37,100 को तोड़ता है तो फिर जो है एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये दोनों जो है क्राइटेरिया मैंने आपके साथ बताए हैं कि क्या सरकमस्टांसेस बन रहे हैं। देखिएगा, ऊपर का स्कोप अगर हम माने तो ऊपर का स्कोप ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये कि जो भी प्लेयर्स हैं इस महीने के अंदर वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर हैं, तो अगर वो पोजीशंस अपनी कैरी नहीं करते हैं तो ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना काफ़ी अच्छी है। और अगर वो पोजीशंस कैरी होती हैं अगले महीने, जिसकी संभावना हमें कम लग रही है, तो बाजार जो है एक रेंज के अंदर ही जो है फंसता हुआ नजर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 35,500 के आसपास या 35,500 के नीचे जो है बाजार शायद सेटल करे, लेकिन किसी भी कारण से अगर 36,000 बाजार तोड़ देता है या 37,000 तोड़ देता है तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी साइड बाजार टूटेगा तो 300 से 500 पॉइंट का जो है किसी भी साइड बाजार मूव कर सकता है, क्योंकि ये महीने की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। बट मुझे फिर भी लगता है कि जो चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स पोजीशंस बाजार में हैं, अगर वो नीचे अगर बाजार आएगा तो वो कवर होने के लिए आएंगी, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो बाजार प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आएगा। तो दोनों परिस्थिति में ऐसा होता है कि बाजार अगर पोजीशंस न्यूट्रल जाती हैं अगले महीने तो 35,500 के सॉरी 36,000, मैंने जहां 35,500 बोला उसको 36,500 समझिए, 36,500 के आसपास सेटल होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में। और अगर किसी भी साइड बाजार टूटता है, मान लीजिए 36,000 टूट गया, तो फिर देखिएगा 36,000 और 35,900 पे बहुत अच्छी वाली सपोर्ट है,
तो जो मैंने आज कल भी बोली थी आपको, तो शायद उसको रिस्पेक्ट करें। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में, हालांकि आज जो रनअप है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिला और 16,600 के पार जो है निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दी है। और अगर कैंडल्स की बात करें तो तीन जो कैंडल्स हैं जो है वो एक तरीके से ऐसी थी कि भाई पहली जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, इस आज लास्ट कैंडल को छोड़ते हैं, तो उसके बाद दो रेड कैंडल बनी थी, तो ये जो दो रेड कैंडल के बाद आज फिर ग्रीन कैंडल बनी है। और ये कल की रेड कैंडल जो थी उसके ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि कल के हाई काट के ऊपर बंद हुई है। तो जो मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आज का हाई कटेगा यानी कि जो, तो बाजार फिर तेजी का रुख कर लेंगे, तो आज का हाई जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने काट दिया, यानी कि जो कल का हाई था। और TCS आज मजबूत था, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, लार्सन और SBI, और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी बाजार को पसंद आए और मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट थे। भारतीय एयरटेल, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, बजाज ऑटो और UPL कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज पलट गई, जिस तरीके से कल डेटा पॉइंट थे वो काफ़ी कमजोर लग रहे थे, इसलिए हमने कहा था कि नीचे के चांसेस जो है, हमें लगता है कि जो बेस है उसके आसपास सपोर्ट को शायद बाजार तोड़ भी दे, लेकिन आज तोड़ा नहीं, वहां से सीधा बाउंस किया। अगर बात करें बाजार के अंदर जो जहाँ तेजी थी, तो सन फार्मा, SBI, और आज देखिएगा SBI ने 526 रुपये पे 3 बजे के आसपास एक ऐसा लेवल पकड़ लिया था कि भाई ये टूटेगा नहीं। और SBI में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि SBI 52 की खाई के सबसे नज़दीक है जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी रिस्की हमें लगती है कभी इवेंट के समय, क्योंकि मैं वो ऑप्शन चेन में आपको बताऊंगा कि ऐसा लग रहा था कि भाई जो कमज़ोर बैंक है उन बैंकों को ज़्यादा ऊपर की तरफ रखा गया है, यानी कि जिनका वेटेज कम होता है, जैसे एक्सिस बैंक या SBI का हालांकि अच्छा वेट है, लेकिन फिर भी HDFC और कोटक या ICICI जितना वेट नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है आज SBI को वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग कराने की कोशिश की गई। तो ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि जब कभी इवेंट होता है तो एक गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की संभावना भी रहती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। जिधर बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पूरी जान लगा देंगे, जिधर भी बाजार जाएगा अपनी पूरी जान फूंकने की कोशिश करेंगे, और ऑप्शन चेन के जो प्रीमियम है वो भी यार डिके नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है बड़े प्लेयर्स कुछ बड़े मन के साथ जो है प्ले करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो पुट राइटर्स हैं, हमने भी थोड़ी पुट राइट की हैं, तो हो सकता है कि हम पुट राइटर्स भी ट्रैप हो जाएं। मान लीजिए अगर गैप डाउन हो, हालांकि हमने थोड़ी दूर की पुट करी है, क्योंकि प्रीमियम जो है हमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंटली हायर थे जो एक्सपायरी से पहले होती, हालांकि वो पोजिशन हमारी हेज हैं जो भी हमने पुट भी सेल किए। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, और अगर पुट हमारी इन द मनी भी हो गई तो हम जो है ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, तो इसका मतलब हमारी कॉल भी राइट है। और एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, ये सब तेजी में थे। भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, हीरो मोटो को भी, UPL, कोटक महिंद्रा बैंक वीक थे। और देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक को तो ऐसा लग रहा था जबरदस्ती जो ऊपर चला गया, सुबह वीक था और 1540 1740 के नीचे काम कर रहा था, और जो हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से हमने अगर सौदे लिए होते, हमने हालांकि लिए नहीं थे कोटक महिंद्रा में डायरेक्टली, तो जो है वो सभी अभी आज की डेट में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं, जो रिजल्ट के बाद हमने इसको कोशिश की थी। तो हालांकि 2-3 दिन से जो है कोटक महिंद्रा गिर रहा है, तो हो सकता है कि कल ये होल्ड करने की कोशिश करे। और बहुत समय के बाद HDFC बैंक भी देखिएगा 1400 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये भी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग जो है, हालांकि मोस्टली जो बैंक निफ्टी की जो 36,800 है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, अब इस रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है बाजार, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बाजार अगर कल फ्लैट भी खुलते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट के ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ते हैं तो फिर तो देखिएगा निफ्टी बैंक काफ़ी पॉजिटिव कर सकता है। 0.75 में न्यूट्रल है, अगर 1% बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें आज कहाँ पे था दम, तो आज SBI में था सबसे ज़्यादा दम, और 167 पॉइंट्स का, और 1400 के ऊपर HDFC बैंक को भी बुल्स बंद करा पाए हैं, ये भी उनकी एक अच्छी खासी ताकत को जो है प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ICICI बैंक देखिएगा 800 रुपये के आसपास, इस पूरे हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा जहाँ पर ICICI बैंक ट्रेड हुआ वो है 800 का लेवल। इंडसइंड बैंक में देखिएगा रिजल्ट के बाद आज फिर तेजी थी, कोटक महिंद्रा और AU स्मॉल फाइनेंस में थोड़ी सी वीकनेस थी। FIs ने आज देखिए अपनी सेलिंग कम कर दी, DIs ने अपनी बाइंग बढ़ा दी, और ये चीज़ जो है बाजार में भी दिख रही थी। हालांकि 300 350 पॉइंट चला है बैंक निफ्टी, और उसके मुकाबले में अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा मजबूती थी, 0.96 था निफ्टी, और बैंक निफ्टी 1.03 था, लेकिन क्योंकि निफ्टी बैंक एक हाई बीटा सेगमेंट है, फिर भी हमें लगता है कि निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा आज किया है।
और इसके साथ साथ आज इंडेक्स के अंदर 1642 करोड़ की बाइंग आ गई। तो जो FIs ने आज फिर जो है सरप्राइज कर दिया कि 2 दिन की सेलिंग के बाद आज फिर बाइंग आ गई, और इसी तरीके से आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आ गई। तो इसका मतलब है कि FIs भी अपने बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो कवर करके गए हैं, तो एक न्यूट्रल पोजिशन जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। तो कल एक वोलेटाइल डे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल अच्छी वाली वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, दोनों साइड के सौदे आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। और जो कल पुट राइटर्स बैकफुट पे थे, आज फिर वो एग्रेसिव हो गए। तो पुट राइटर्स हमें लग रहा है, क्योंकि जब बाजार चलते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि भाई चल अब तो कल का दिन है तो नीचे की पुट बेच दो, 500-700 पॉइंट बाजार खुलेगा तो नहीं 500-700 पॉइंट और बाजार फ्लैट भी खुलेगा तो पुट जो बेची है उनके तुरंत पैसे बनेंगे। और तेजी के माहौल में बाजार आज बंद हुआ है, डाउ अभी खुला नहीं है, और WTI जो ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहे हैं नए इंडेक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो, सॉरी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से। लेकिन मैं ये अभी प्राइजेज हैं इन पर आप फोकस ना करें, अभी $100 के आसपास जो है चल रहा है ब्रेंट क्रूड। और NG में हालांकि तेजी, जो कल भी मैंने आपके साथ बात की थी, और अगर आज जो चीज़ें कल हम बैकफुट पे बोल रहे थे आज कॉल राइटर बैकफुट पे, देखिए सारी कॉल ट्रैप हो गई। कल यही पुट के अंदर था और पुट राइटर आज फिर एग्रेसिव हो गए, तो पुट राइटर आज एग्रेसिव हो गए, कॉल राइटर बैकफुट पे हो गए। तो पुट राइटर आज, जहाँ पे कल पुट राइटर डिफेंसिव थे आज कॉल राइटर एग्रेसिव है, सॉरी पुट राइटर एग्रेसिव और कॉल राइटर डिफेंसिव है। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो क्योंकि लास्ट दिन है तो 1600-1700 पर देखिएगा, इतने सब कुछ होने के बावजूद, ये मैं आपको बताता हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 1600-1700 की कॉल में खड़े हुए हैं। ये सरप्राइजिंग अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि कल की अच्छी तेजी थी तो काफ़ी बड़ी ऑप्शंस थी। अनवाइंडिंग होने के बाद भी 1600-1600 पर अभी भी 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, और 1600-1600 पर 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट की साइड खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनवाइंडिंग हुई है, कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम हो गए हैं, अनवाइंडिंग बहुत हुई है, लेकिन अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं टोटल नंबर्स में वो बराबरी के साथ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हालांकि पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा हैं और वो आपको पुट कॉल रेशियो में भी पता चल रही है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिएगा 36,800 आज बाजार जो है लास्ट के 2 घंटे 36,700 और 800 के बीच में चलता रहा। तो यहाँ देखिएगा पुट राइटर 36,700 पे 41,000 और 16,000 ऐड करते हुए नजर आए, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो तकरीबन 80,000 है, और कॉल राइटर 36,000 और 36,700 में। हालांकि यहाँ पे 36,700 अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 1,07,000 है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर अभी भी जो है इतना ज़्यादा अनवाइंड होने के बाद भी अभी भी टोटल नंबर्स कॉल राइटर्स के ही ज़्यादा है। तो यानी कि लड़ाई जो ऐसा लगता है कि बराबरी की अभी देखने के लिए मिल रही है, बट एक इवेंट है, तो इवेंट के बाद क्या होगा वो कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।